हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रद्धा और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। जी सभी लोगों को जो है ओपन पोर्स, लार्ज पोर्स, एनलार्ज पोर्स की प्रॉब्लम होती है, किसी को जो है स्कार्स रहते हैं फेस पे या कुछ ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं, तो उन्हें कैसे आसानी से मिनिमाइज़ करें, रिमूव करें, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है नेचर सुए का पोर्स एंड मार्क्स ऑयल। तो ये बहुत अच्छा ऑयल है, इसे मैंने खुद ने ट्राई किया है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही इसे यूज़ किया है और मुझे ये अच्छा लगा। अभी 2 वीक से जो है मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो पोर्स थे वो मिनिमाइज़ हो रहे हैं। हालांकि मुझे ज़्यादा बड़े पोर्स नहीं हैं, मेरे पोर्स जो है वो बहुत बड़े नहीं हैं, थोड़े से है, बट मुझे इस एरिया में देन नोज़ और यहाँ पे पोर्स हैं, तो वो मेरे मिनिमाइज़ हो गए हैं। और नेचर सर्वे का पोर्स एंड मार्क्स ऑयल है, तो ये जो है 100% प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम मोरिंगा ऑलिफेरा। अगर आप ये गूगल में सर्च करोगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये प्रोडक्ट, मोरिंगा ऑलिफेरा जो प्रोडक्ट जो है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके फेस के लिए बहुत अच्छी होती है, खासकर एनलार्ज पोर्स और आपके फेस पे अगर स्कार्स है, डार्क स्पॉट्स है, तो इससे जो है आपके स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और जो भी ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएंगे। तो ये जो है ऑयल बेस है, तो इससे जो है आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होगी, आपको और कोई अलग से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये ऑयल बेस है। और इससे जो है एंटी एजिंग में भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी स्किन जो है, आपकी स्किन पे फाइन लाइन्स आ रही है स्पेशली फॉर माउथ एरिया और आई एरिया के पास, तो इसका रेगुलर यूज़ करने से फाइन लाइन्स भी जो है वो वैनिश हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। बट और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो आपको जो है इसे दिन में 2 बार यूज़ करना है, जहाँ पे भी आपको पोर्स की प्रॉब्लम है, मोस्टली चिक पे ही रहती है, देन आपको जहाँ पे भी स्कार्स है या फाइन लाइन की प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आई एरिया में और माउथ एरिया में, तो आपको क्या करना है, दिन में इसे 2 बार अप्लाई करना है। मॉर्निंग टाइम पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, देन नाइट टाइम में भी अप्लाई करना कर सकते हो। नाइट टाइम में अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि नाइट टाइम में जो है स्किन रिपेयर भी होती है। तो इसे मैं कैसे यूज़ करती हूँ, आपको जस्ट आपका फेस वॉश करना है। ये ऑयल जो है कॉटन पैड पे ले सकते हो आप, या आपने फिंगर से ही अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर आपके हाथ जो है नीट एंड क्लीन होने चाहिए, अच्छे से वॉश कर लेना है, सैनिटाइज करना है। देन आपको ये प्रोडक्ट, ये ऑयल जो है पाम पे लेके जस्ट आपको डैबिंग मोशन में इसे अप्लाई करना है फेस पे, जहाँ पे भी आपको पोर्स है या स्कार्स है या डार्क स्पॉट्स है, या फाइन लाइन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और एंटी एजिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। मोशन में अप्लाई करना है एंड देन मसाज करना है ताकि ये ऑयल जो है स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसे जस्ट आपको डैबिंग मोशन में अपने फेस पे अप्लाई करना है एंड देन आपको इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है, जस्ट आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इससे जो है आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ भी हो जाएगी, जैसे मैंने बताया कि ये ऑयल बेस है तो ऑयल से जो है स्किन मॉइस्चराइज़ भी हो जाती है, तो ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। तो ये हो गई इसे अप्लाई कैसे करने की बात, देन अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी जो क्वांटिटी है वो है, हाँ, तो अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे दिन में 2 बार तो 1 वीक के बाद ही आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज़ हो गए हैं, देन स्किन मॉइस्चराइज हो गई है और स्मूथ सी फिनिशिंग आती है, स्मूथ सी लगती है स्किन फेस की अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ml में जो 100 ml, और इसकी प्राइस जो है वो है 1379 rupees। और आप इसे एज अ सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हो, ये अप्लाई करने से जो है आपकी स्किन जो है सनरेज से प्रोटेक्टेड भी रहेगी, डायरेक्ट सनरेज से। हाँ, सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेके, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अभी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।